She is going to school. Correct. She is going to the school. Correct. He is going to hospital. Correct. He is going to the hospital. Again correct. Had. अगर दोनों करेक्ट हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि द का यूज़ स्पीकर की इच्छा पर है, मतलब जब चाहे द यूज़ किया जब चाहे हटा दिया। आज इसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। जो भी पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, मॉल, थिएटर, अम्यूजमेंट पार्क्स, पुलिस स्टेशन, बैंक एट्सेट्रा, जिनका प्राइमरी पर्पस क्लियर होता है, उनको मेंशन करते हुए ये कन्फ्यूजन होता ही है। अच्छा, सबसे पहले प्राइमरी पर्पस का मतलब समझना है। प्राइमरी पर्पस मीन्स बैंक इज मेंट फॉर मॉनेटरी डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स, राइट। हॉस्पिटल इज मेंट फॉर ट्रीटमेंट, स्कूल फॉर स्टडी, थिएटर फॉर मूवी, लाइक दिस। मतलब अगर हॉस्पिटल का नाम कोई ले तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं। स्कूल का नाम ले तो सबसे पहले क्या आता है, पढ़ाई करने या पढ़ाने जा रहे हैं। बैंक का नाम ले तो पैसे डिपॉजिट करने या निकलवाने जा रहे हैं, राइट। दिस इज नोन एज प्राइमरी पर्पस। अगर प्राइमरी पर्पस क्लियर है तो कन्फ्यूजन भी मानो ख़त्म। अगर सब्जेक्ट मीन्स डूअर जो जा रहा है, अगर प्राइमरी पर्पस के लिए जा रहा है तो द की ज़रूरत नहीं है। या उल्टा कर समझे, अगर सेंटेंस में द यूज़ नहीं है तो समझ लें सब्जेक्ट प्राइमरी पर्पस के लिए जा रहा है। यहाँ पर शी स्कूल जा रही है पढ़ने या पढ़ाने के पर्पस से, राइट, बिकॉज द नहीं है। ऑन द अदर हैंड जब सेकेंडरी पर्पस प्राइमरी पर्पस के अलावा दूसरे किसी भी काम के लिए जा रही हूँ तो द लगाएंगे। जैसे यहाँ शी पढ़ने या पढ़ाने नहीं जा रही, मे बी प्रिंसिपल से मिलने, पीटीएम अटेंड करने, एडमिशन करवाने, प्राइमरी पर्पस के लिए नहीं, बट ठीक है उसके अलावा कोई भी काम, सो द लगेगा। या उल्टा कर देख लें, द लगा है तो ऑब्वियस है प्राइमरी पर्पस के लिए नहीं जा रही है। अब सेम सेकंड सेंटेंस में यहाँ पर ही खुद के चेकअप के लिए जा रहा है या ही डॉक्टर है, राइट, इसलिए द नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड इन द सेकंड सेंटेंस यहाँ पर ही किसी बीमार रिलेटिव से मिलने जा रहा है या मे बी डॉक्टर उसका रिलेटिव है तो नॉर्मल बातचीत के लिए जा रहा है, इसलिए यहाँ पर द का की ज़रूरत है। ठीक है, अब अगर आपको ये बहुत सिंपल सी बात समझ में आ गई है तो फटाफट फिल करने की कोशिश करें। वी आर गोइंग टू मूवी थिएटर टू नाइट, हर्ड अ लॉट अबाउट दिस मूवी। सेकेंड, आई एम गोइंग टू मूवी थिएटर आफ्टर ऑफिस आवर्स, रियली वॉन्ट टू मीट हिम, व्हेन विल द मूवी एंड। लेट्स चेक योर आंसर्स। फर्स्ट सेंटेंस में मूवी थिएटर में प्राइमरी पर्पस से मूवी देखने ही जा रहे हैं, सो द की ज़रूरत नहीं है। वी आर गोइंग टू मूवी थिएटर, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, क्रॉस लगा दें। सेकेंड सेंटेंस में वो किसी से मिलने जा रहा है, द अदर पर्सन वॉज वॉचिंग मूवी, जैसे ही वो बाहर आएगा तो आई जो सब्जेक्ट है वो उससे मिलने जा रहा है, प्राइमरी पर्पस नहीं है, सो यहाँ पर द आएगा। आई एम गोइंग टू द मूवी थिएटर आफ्टर ऑफिस आवर्स। मीट यू सून इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।